नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आप सभी सुन रहे होंगे कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, और जैसे कि पहली लहर ने हमारे परिवार के बुजुर्गों को बहुत ज्यादा परेशान किया, और दूसरी लहर ने हमारे परिवार के नवयुवकों को, यानी कि जिनकी उम्र 20 से लेकर 45 साल तक थी, उनको ज्यादा पीड़ित किया। और कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक होगी। ये मुझे नहीं पता कि तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, या वो बच्चों के लिए खतरनाक होगी या नहीं होगी। मैं केवल इतना जानता हूं कि अगर बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग रही, यानी कि बच्चों में अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक होगी, तो वो हर प्रकार की वेव का सामना कर सकते हैं, न केवल कोरोना वायरस की वेव का, आने वाले दिनों में डेंगू की वेव का, आने वाले समय में मलेरिया की वेव का, आने वाले समय में चिकनगुनिया की वेव का, या अन्य किसी भी प्रकार के मौसम के बदलने पर आने वाले वायरल फीवर की वेव का। तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी पावर, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करें, उनको कुछ ऐसे मोटिवेट करें कि उनके तीन सिस्टम अपने आप काम करने लग जाएं। जैसे पहला है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि लंग्स का सिस्टम। दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम। और तीसरा है इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम। अगर आपके बच्चे का ये तीन सिस्टम ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी वेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और निश्चित तौर पर जिन लोगों ने, चाहे वो पहली वेव का सामना किया हो, चाहे उन्होंने दूसरी वेव का सामना किया हो, उन लोगों ने, जिन लोगों की खुद की इम्यूनिटी अच्छी रही है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी गंभीर परिस्थिति से नहीं गुजरना पड़ा है। यानी कि अगर उन लोगों ने अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दिया था, तो वो निश्चित तौर पर कोरोना वायरस का सामना कर चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसका सामना कर जीते हैं। यानी कि अगर हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो वो हर प्रकार की वेव का, हर प्रकार के वायरल फीवर का सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, पहला सिस्टम तो सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों का अपने आप बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चों का नेचर नटखट नेचर है। वो उठा पटक करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, हर प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो परिवार में रहते हो, चाहे वो अपने छोटे से फ्लैट में रहते हो, चाहे वो अपने खुले बड़े फ्लैट में रहते हो, घर में रहते हो, मकान में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, पार्क जाते हो ना जाते हो, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम तो लगभग स्टिमुलेट रहता है। अब बाकी के दो सिस्टम है जिन पर हमें काम करना है। पहला है लंग्स का सिस्टम, यानी कि उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। और इसके लिए मैंने न्यूरोथेरेपी की बहुत सारी वीडियोस कि कैसे हम लंग्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं, कैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपके पास वो वीडियोस नहीं है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको वो वीडियोस जरूर उपलब्ध कराएंगे। अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे स्टिमुलेट करा जा सकता है, इसकी जानकारी देंगे। तीसरा जो है हमारा इम्यूनिटी का सिस्टम, इम्यूनिटी के सिस्टम के लिए भी मैंने बहुत अच्छी वीडियोस कि नहाते समय हम खुद अपने कौन कौन से पॉइंट को प्रेस करें, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, कैसे हम सेल्फ अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम सेल्फ थाइमस को, स्प्लीन को, लिम्फ नोड्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं, ये दोनों ही सिस्टम को ठीक करने की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो मेरे YouTube चैनल पर जाइए, बेसिक टिप्स में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां से इन वीडियोस को आप आराम से देख सकते हैं। तो आज से अगर आप अपने बच्चों की तैयारी करेंगे, तो आने वाला जब एग्जाम होगा, जब तीसरी लहर होगी, कहते ऐसा है, उस तीसरी लहर का सामना हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और निश्चित तौर पर मैं कुछ दिनों में आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देने वाला हूं बच्चों की, कि कैसे आप छोटे छोटे पॉइंट्स को उनका प्रेस कर खेलते कूदते आप उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, आप उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, आप उनके लंग्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी टिप्स देने वाला हूं। तो निश्चित तौर पर
मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और वो वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन जरूर दबाइए। अगर आप बेल बटन नहीं दबाएंगे तो मेरे वीडियोस अपलोड होने के बावजूद आप तक उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। हमने पिछले पहली लहर में और दूसरी लहर में बहुत सारी वीडियोस बनाई और जिनके माध्यम से लोगों को बहुत फायदा हुआ, न केवल देश के लोगों को, विदेशों में भी हमने बहुत सारी वीडियोस में शेयरिंग करी, उनको बताया कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी पर काम कर सकते हैं। क्योंकि अब एग्जाम बच्चों का है, क्योंकि अब इम्तिहान बच्चों का है, तो उन बच्चों को भी हमें तैयार करके रखना है कि हम उनकी इम्यूनिटी, हम उनके सर्कुलेटरी सिस्टम, हम उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं और कैसे खेल खेल में कर सकते हैं कि उनको लगेगा ही नहीं कि उनका कोई ट्रीटमेंट भी हुआ है, उनको लगेगा ही नहीं कि उनको हमने कुछ ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है। खेल खेल में आप उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को, उनके सर्कुलेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और देखते रहिए आने वाली वीडियोस को कि मैं कैसे आपको खेल खेल में सिखाऊंगा कि हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, ना केवल कोरोना की वेव को बल्कि आने वाले हर प्रकार के मौसम के बदलने की वजह से आने वाली बीमारियों की वेव को भी अच्छी तरीके से पास आउट कर सकते हैं और टॉप रैंकिंग के साथ कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।